गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनीता, मैथ मिस्ट्रेस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी सेल्फ स्मार्ट स्कूल माड़ू पटियाला तो। अज बेटा सी क्लास नौवीं का चैप्टर चक्कर, जिसनों आप इंग्लिश सर्कल कहते हैं, उसका एक टॉपिक स्टार्ट करांगे। अज का बेटा जिहड़ा अपना टॉपिक है वह है समान जीवावां दी केंद्र तो दूरी। ठीक है बेटा, उस दे नाल संबंधित कुछ उदाहरण करते हाँ। आप बेटा देखो, पहली उदाहरण लिखती है 5 सेंटीमीटर अते 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले दो चक्कर दो बिंदुआं ते कटदे हन। आपां नूं बेटा दो चक्कर दिते हुए हैं, एक दा अर्धव्यास 5 सेंटीमीटर है, दूजे दा अर्धव्यास किन्ना है 3 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा डायग्राम च आपां दो चक्कर बना लिए। ए वाला चक्कर जिहड़ा वड्डा चक्कर है, इसका अर्धव्यास किन्ना है 5 सेंटीमीटर, और जो बेटा अपना छोटा चक्कर है उसका अर्धव्यास किन्ना है 3 सेंटीमीटर। वड्डे चक्कर के अर्ध जिहड़ा केंद्र है उसनूं बेटा आपां ओ लिख लिया, और जिहड़ा छोटे चक्कर का केंद्र है उसनूं की लिख लिया ओ डैश। उस तो बाद बेटा उरे कहा है कि दो बिंदुआं ते कटदे हन। देखो बेटा जिहड़े दोनों चक्कर है वह दो बिंदुआं ते कट रहे हैं, एक नूं पॉइंट नूं आपां नाम लिखा है ए, और दूजे बिंदु नूं आपां नाम की लिखा है बी। ए और बी दो जिहड़े बिंदु है वह दोनों चक्करां दे बिंदु है, यानी कि बेटा वह दोनों बिंदु दोनों चक्करां दे की हो गए सांझे बिंदु। अगे बेटा इन्होंने की कहा है, अते उन्हां दे केंद्रां विच दी दूरी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, हुण अपने केंद्र केड़े सी, एक सीगा ओ और दूजा सी बेटा अपना ओ डैश। ओ और ओ डैश की जिहड़ी दूरी है ये बेटा अपन क्वेश्चन जी किन्नी दित्ती हुई है 4 सेंटीमीटर, तो उसनूं बेटा आपां लिख लिया उरे 4 सेंटीमीटर, ये ओ तो ओ डैश वाली दूरी। ठीक है बेटा, अगे की करना है, सांझी जीवा दी लंबाई पता करो। ठीक है बेटा, जिहड़ी इन्हां दोनों चक्करां दी सांझी जीवा होएगी आपां ने बेटा उसकी लंबाई पता करनी है। ए और बी दोनों चक्करां दे बेटा की है सांझे बिंदु, तो आपां ने ए तो लैके बी तक जिहड़ी एक जीवा बनेगी जो आपां दोनों नूं मिलावांगे, आपां ने बेटा इसी जीवा दी की पता करनी है लंबाई, क्योंकि यह दोनों चक्करां दे सांझे बिंदु हन, उन्हां दोनों नूं जोड़ के बेटा की बनेगी अपनी सांझी जीवा। हाँ जी बेटा, हुण आपां इसका सोल्यूशन हल स्टार्ट करते हैं। सब तो पहले बेटा देखो, आपां नूं जिहड़े दोनों चक्कर है उन्हां दे अर्धव्यास आपां नूं दित्ते हुए हैं, ओ केंद्र हो गया और ए की हो गया चक्कर दा एक बिंदु, तो ओ तो लेके ए तक की दूरी वड्डे चक्कर का अर्धव्यास होएगा, तो बेटा ए अपना किन्ना होएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह बेटा जिहड़ा बी बिंदु है वह भी वड्डे चक्कर दे उपर आ रहा है और ओ उसका केंद्र है, तो ओ तो लैके बी तक भी दूरी बेटा किन्नी होएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, उस तो बाद जिहड़ा दूजा चक्कर है छोटा चक्कर, ओ डैश उसका केंद्र है और ए बेटा उसका चक्कर के ऊपर बिंदु है, तो ओ डैश तो ए तक की दूरी भी बेटा अपनी किन्नी है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि अपन दिता हुआ है दूजे चक्कर का अर्धव्यास किन्ना है 3। इसी तरह ओ डैश और बी नू मिला के भी बेटा अपनी दूरी किन्नी आएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, हुण आपां अगे इसका हल देखते हैं। सब तो पहले ओ ए का मुल बेटा अपना किन्ना है 5 सेंटीमीटर। उस तो बाद जिहड़ा ये ओ तो ओ डैश है ये बेटा अपना किन्ना है 4 सेंटीमीटर। अगे बेटा ए तो ओ डैश या फिर ओ डैश ए, ये अपना बेटा किन्ना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, हुण आपां क्या करते हैं, देखो ओ ए का स्क्वेयर सोल्व करके देखते हैं। ओ ए का मुल किन्ना है 5 का स्क्वेयर बेटा किन्ना हो गया 25। ओ ए का स्क्वेयर 25 के बराबर आ गया, इन्हां दोनों का स्क्वेयर कर लो, ओ ओ डैश का स्क्वेयर जमा ओ डैश ए का स्क्वेयर। ओ डैश किन्ना है 4 सेंटीमीटर, ओ डैश ए किन्ना है 3 सेंटीमीटर। हल कर लो बेटा इसनों, 4 का स्क्वेयर 16, 3 का स्क्वेयर 9, और 16 प्लस 9 बेटा किन्ना हो गया 25। हुण बेटा देखो, आप देख रहे हैं कि ओ ए का स्क्वेयर जिहड़ा है 25 आ रहा है, इधर ओ डैश का स्क्वेयर जमा ओ डैश ए का स्क्वेयर भी किन्ना आ रहा है 25, यानी बेटा अपने को आ रहा है ए ओ का स्क्वेयर बराबर है ओ डैश का स्क्वेयर जमा ओ डैश ए का स्क्वेयर। ठीक है बेटा, ये बेटा अपने को की बन रही है अपनी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ओ ए अपना बेटा की बनेगा करण दी दो, आपने पढ़े ना फॉर्मूला, करण दी दो बराबर है लंब दी दो प्लस आधार दी दो, यही फॉर्मूला होंगे अपने को। जिहड़ा उपर वाला त्रिकोण है ओ ए ओ डैश, उस दे विच अपने को पाइथागोरस थ्योरम सैटिस्फाई हो रही है। ठीक है बेटा,
अगर अपने को इस देविच पाइथागोरस थ्योरम लग रही है तो दैट मीन्स अपने को बेटा जेड़ा है त्रिपुज है वह की होएगा सम कोण त्रिपुज, यानी कि जेड़ा बेटा अपने करण दे सामने वाला कोण होएगा। ठीक है बेटा, अपना करण की हुंदी है सब तो लंबी भुजा, सब तो लंबी भुजा अपनी कितनी है पांच, तो ओ ए के जेड़ा बिल्कुल सामने वाला कोण होएगा जो बेटा किस ते बन रहा है ओ डैश ते, इसका मूल अपने को कितना होएगा 90 डिग्री। ठीक है बेटा, तो अपने को ऊपर वाले त्रिभुज च आ जाएगा ए ओ डैश ओ कोण ए ओ डैश ओ बराबर है कितना आ जाएगा बेटा 90 डिग्री। ठीक है बेटा, उपर वाले त्रिभुज दे विच पाइथागोरस थ्योरम लगन दे कारण अपने कोल ओहो एक समकोण त्रिभुज बन गया, करण दे बिल्कुल सामने वाला कोण समकोण त्रिभुज च बेटा 90 डिग्री हुंदा है, तां करके अपने कोल कोण ए ओ डैश ओ उसका मूल बेटा किन्ना गया 90 डिग्री। जिवें बेटा आपां इस नूं उपर वाले त्रिभुज के उपर यह चीज सोल्व की है, इवें बेटा हुण आपां नीचे वाले त्रिभुज के उपर भी हल करके देखते हैं। ठीक है बेटा, हुण नीचे वाले त्रिभुज दे विच भी आपां दोनों का मूल देखते हैं उहदे किन्ना की है। हुण देखो नीचे वाले त्रिभुज बेटा देखो ओ ओ डैश तो अपने कोल 19 है, किन्नी है 4 सेंटीमीटर। अगे ओ बी, ओ बी का मूल बेटा अपने कोल किन्ना है 5 सेंटीमीटर, ते उस तो बाद बेटा है ओ डैश बी, ओ डैश बी का मूल किन्ना है अपना 3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, हुण आपां उही ओ बी का स्क्वेयर हल करके देखते हैं, ओ बी की घात 2, ओ बी का मूल किन्ना है 5, 5 की घात 2 बेटा किन्ना हो गया 25, उस तो बाद इन्हां दोनों के स्क्वेयर का जोड़ कर लेंगे। ठीक है बेटा, ओ ओ डैश का स्क्वेयर, ओ ओ डैश किन्नी है अपनी 4, ओ डैश बी बेटा किन्नी है अपनी 3, मूल भर लिया दोनों च, 4 का स्क्वेयर 16 प्लस 3 का स्क्वेयर 9 बेटा किन्ना हो गया अपना 25। ठीक है, तो देखो ए भी 25 है मूल, ए भी 25, तो अपने कोल की आ गया ओ बी दी 2 बराबर है ओ ओ डैश दी 2 प्लस ओ डैश बी दी 2। ठीक है बेटा, उही अपने कोल आ गया करण दी 2 बराबर है लंब दी 2 प्लस आधार दी 2। ठीक है बेटा, हुण अपने कोल क्योंकि नीचे वाला त्रिभुज जेड़ा हैगा ओ ओ डैश बी, इस दे विच भी अपने कोल पाइथागोरस थ्योरम सैटिस्फाई हो गई है, तो पाइथागोरस थ्योरम बेटा केड़े त्रिभुज के उपर सैटिस्फाई हुंदी है जिसका एक कोण किन्ना हुंदा है 90 डिग्री, और वो बेटा केड़ा कोण होएगा 90 डिग्री, जेड़ा अपने कोल बेटा करण दे सामने होएगा। करण की हुंदी है सब तो लंबी भुजा, सब तो लंबी भुजा बेटा अपनी किन्नी है ओ बी, जिसका मूल अपना किन्ना है 5, तो ओ बी दे बिल्कुल सामने वाला कोण जो किस दे उपर बन रहा है ओ डैश ते, ए भी बेटा अपने कोल किन्ना आएगा 90 डिग्री। ठीक है बेटा, तो हुण आपां जेड़े अपने दोनों कोण आ गए 90 डिग्री और दोनों लिख लेंदे हैं, एक तां बेटा आपां हुण ही कढ़िया ओ केड़ा है बी ओ डैश ओ, बी ओ डैश ओ बेटा अपना यह किन्ना है 90 डिग्री, और पिछे आपां हुण ही की कीता सीगा ए ओ डैश ओ, ए भी किन्ना सी बेटा 90 डिग्री। ठीक है बेटा, हुण देखो जेड़ा अपने कोल यह कोण बने है ए ओ डैश ओ, ए भी 90 डिग्री है, और अपने कोल बी ओ डैश ओ, ए भी कोण किन्ना है 90 डिग्री। हुण बेटा आपां की करदे आ, अगे इस नूं हल करन दे लई आपां इन्हां दोनों दा जोड़ कर लैंदे आ। ठीक है बेटा, हुण देखो सब तो पहले बी ओ डैश ओ प्लस ए ओ डैश ओ दोनों 90 प्लस 90 बेटा किन्ने बन गए 180 डिग्री, यानी कि बेटा अपने कोल जेड़ा है ए ओ डैश बी ते कोण बन रहा है ये सारा ये अपना किन्ना है 180 डिग्री। जे बेटा अपने कोल जेड़ा है कोण है 180 डिग्री है, 180 डिग्री कोण कदों हुंदा है जदों बेटा रेखा की हुंदी है एक सीधी रेखा, तो अपने कोल बेटा उरे की आ जाएगा ए ओ डैश बी, जिस दे उपर ए ओ डैश बी दे उपर बेटा जेड़ा अपना कोण बन रहा है ए क्योंकि 180 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे कोण ए ओ डैश बी बराबर है 180 डिग्री, 180 डिग्री होन कारण बेटा है की होएगी एक सीधी रेखा, तो ए ओ डैश बी एक सीधी रेखा है क्योंकि बेटा इस दे उपर जेड़ा कोण बन रहा है वह किन्ना आ गया 180 डिग्री। ठीक है बेटा, हुण जेड़ी अपनी यह रेखा है ए ओ डैश बी ये सीधी रेखा होएगी, तो बेटा ये कितने आ जाएगी इतने, यानी कि जेड़ा अपना ए वाला पॉइंट है वो की होएगा ओ डैश,
ठीक है, जिहड़ा अपने कोल इस चेक करदा केंद्र है वह किस दे उपर आएगा, ए ओ डैश बी दे उपर। ठीक है बेटा, तो अपने कोल जिहड़ा ए बी की सी अपनी दोनों चक्करां दी सांझी जीवा, क्योंकि ए और बी जिहड़े बिंदु है वह दोनों चक्करां के सांझे बिंदु है। आपां बेटा उरे सिद्ध करता कि ए ओ डैश बी एक सीधी रेखा आ गई, तो जिहड़ी ए बी है वह दोनों चक्करां दी की होगी एक सांझी रेखा, जिहड़ा अपने कोल छोटे चक्कर दा केंद्र है वह इस रेखा के उपर ही आ रहा है। अगे बेटा हुन की होएगा, जिहड़ी अपनी ए बी है इसका मूल की होएगा, हुन देखो डायग्राम च, ओ डैश ए प्लस दूजा बेटा की है ओ डैश बी। ओ डैश ए की है बेटा छोटे चक्कर दा केंद्र, केंद्र तो बेटा ए की है छोटे चक्कर दे उपर बिंदु, तो केंद्र तो चक्कर दे उपर बिंदु तक की दूरी की हुंदी है अर्धव्यास, तो अपने कोल बेटा ओ डैश ए और ओ डैश बी दोनों का मूल की होएगा तीन, तीन प्लस तीन बेटा कितना हो गया छे, नाल की आ गया सेंटीमीटर। तो बेटा जिहड़ी दोनों चक्करां दी सांझी जीवा है उसका मूल अपने कोल कितना आ गया छे सेंटीमीटर। हाँ जी बेटा, हुण असीं अपना क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं। जेकर एक चक्कर दियां दो समान जीवावां चक्कर दे अंदर कट दियां हो, ठीक है बेटा, अपने को देखो आप डायग्राम बना ली, एक चक्कर दिता हुआ है उस दिया बेटा अपने को जीवावां दिती हुई हैं जिहड़ियां दोनों समान मतलब बराबर हैं। तो बेटा आप देखो चक्कर दियां दो जीवावां बना लिया ए बी और एक अपनी सी डी, ये दोनों जीवावां बेटी अपनी बराबर हैं। उस तो बाद अगे लिखा है चक्कर दे अंदर कट दियां हुण, ये बेटा जिहड़ी दोनों जीवावां हन ये चक्कर दे अंदर एक बिंदु ते कट रही हैं। देखो बेटा सी डी और ए बी इस बिंदु ते कट रहे, इसनों आपां नाम दे लिया अपना एक्स। अगे देखो ता सिद्ध करो कि एक जीवा दे खंड दूजी जीवा दे संगत खंडा दे बराबर हैं, ठीक है बेटा। हुण जिहड़ी बेटा अपनी ये ए बी जीवा है अपने जदों ही सी डी नूं एक्स बिंदु ते कट रही है, तो बेटा अपने कोल उस जीवा के दो पार्ट्स बना रही है, एक की है ए एक्स और एक अपना की है बी एक्स। इस जीवा दे दो खंड है एक ए एक्स और बी एक्स, ठीक है बेटा। आपां की सिद्ध करना है एक जीवा दे खंड दूजी जीवा दे संगत खंडा दे बराबर हैं। हुण इस ए बी जीवा के ए एक्स और बी एक्स खंड हैं, दूजी सी डी जीवा के बेटा केड़े खंड है एक सी एक्स और एक डी एक्स। आपां सिद्ध करना है संगत खंड मतलब जिहड़ा ये ए एक्स है वह सी एक्स के बराबर है और अपने कोल जिहड़ा डी एक्स है वह किसके बराबर है बी एक्स के। इन्हां दोनों बेटा जिहड़े अपने हिस्से है दोनों जीवावां दे आपां ने बेटा इन्हां नूं की सिद्ध करना है बराबर। हुण आपां बेटा इहदा सोल्यूशन स्टार्ट करदे हां। सब तो पहले बेटा आपां लिखदे हां दित्ता है। हुण दित्ता की होया आपां नूं कि अपनी जिहड़ी दोनों जीवावां हन वह आपस च बराबर हन, तो आपां लिख लिया ए बी बराबर है सी डी और जिहड़ी इह दोनों जीवावां किहड़े बिंदु ते कट रही है एक्स बिंदु ते, एक्स ते कटदियां हन। ये बेटा अपने कोल क्वेश्चन च अपना दित्ता है आ गया। हुण उस तो बाद बेटा आपां लिख देंगे सिद्ध करना। हुण देखो सिद्ध की करना है, क्वेश्चन च आपां सिद्ध करना है कि जिहड़ी एक जीवा दे खंड है वह दूजी जीवा दे संगत खंडा दे बराबर है, तो बेटा अपने कोल इस जीवा का जिहड़ा छोटा संगत अपना खंड बन रहा ए एक्स और इस जीवा का सी एक्स, तो आपां सिद्ध करना है ए एक्स बराबर है सी एक्स, दूजा बेटा डी एक्स बराबर है बी एक्स। ये बेटा अपना हो गया सिद्ध करना। हुण इसनूं सिद्ध करन दे लई बेटा आपां नूं इक रचना करनी पेगी, तो आपां लिख लैंदे रचना। हुण बेटा रचना की करांगे आपां, देखो रचना दे विच जिहड़ा अपना ओ केंद्र है आपां उस तों इस ए बी जीवा के उपर एक लंब खिंच लैंदे आ एल और इस ओ तो सी डी रेखा के उपर आपां एक लंब खिंच लैंदे आ एम, ठीक है बेटा। तो आपां दो लंब खिंच लीए, खिंचे बेटा किहड़ा एक ओ एल किस दे उपर ए बी दे उपर और इधर बेटा ओ एम ए किसके उपर है सी डी दे उपर, ठीक है बेटा। नाल बेटा आपां की करांगे जिहड़ी इह एक्स और ओ है इसनूं बेटा आपां मिलावांगे, ओ एक्स नूं मिलाओ, ये बेटा अपनी होगी रचना, ठीक है बेटा। हुण आपां अपना सबूत करदे हां। सबूत दे विच बेटा आपां की करांगे जिहड़े अपने हुण देखो डायग्राम च अपने दो अपने कोण बन रहे हैं, त्रिकोण ओ एल एक्स और एक की है ओ एम एक्स, आपां बेटा इन्हां दोनों नूं की सिद्ध करांगे बराबर, सॉरी सरबंसम।
ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸਰਵੰਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੀਪੀਸੀਟੀ ਕੇ ਕਾਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਹਿੱਸੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਸ ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਚ ਦੋ ਤਿਕੋਣ ਬਣ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਰਵੰਸਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਤਿਕੋਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਤਿਕੋਣ ਹੈ ਉਰੇ ਓ ਐਲ ਐਕਸ, ਤਿਕੋਣ ਓ ਐਲ ਐਕਸ, ਅਤੇ ਤਿਕੋਣ ਦੂਜਾ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਓ ਐਮ ਐਕਸ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਿਕੋਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਓ ਐਕਸ ਹੈ, ਓ ਐਕਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੇਟਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭੁਜਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਓ ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਓ ਐਕਸ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਭੁਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਓ ਐਲ ਏ ਬੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਰਚਨਾ ਚ ਲਿਖਿਆ ਲੰਬ ਹੈ, ਲੰਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 90 ਡਿਗਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਓ ਐਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਕੇ ਉੱਪਰ ਲੰਬ ਹੈ? ਸੀ ਡੀ ਕੇ ਉੱਪਰ। ਤੋ ਏ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 90 ਡਿਗਰੀ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਾ ਐਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲ ਤੇ ਕੋਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਨੀਚੇ ਐਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੋ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕੋਣ ਓ ਐਲ ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੋਣ ਓ ਐਮ ਐਕਸ, ਕਿਉਂ ਬੇਟਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 90 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੀਵਾਵਾਂ ਹਨ ਏ ਬੀ ਔਰ ਸੀ ਡੀ, ਜੀਵਾਵਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਸਮਾਨ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜੀਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਲੰਬ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਏ ਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓ ਐਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓ ਐਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਿਓਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਜੀਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਲੰਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਏ ਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓ ਐਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੀ ਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓ ਐਮ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਲੰਬ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਰਾਬਰ। ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਓ ਐਲ ਉਸਕਾ ਲੰਬ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਾ ਲੰਬ ਬੇਟਾ ਉਰੇ ਓ ਐਮ। ਇਹ ਜੀਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਨੋਂ ਲੰਬ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੋ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਓ ਐਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਓ ਐਮ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਜੀਵਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਬਰਾਬਰ। ਜੇ ਜੀਵਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬ ਬਣੇਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਣ ਬਣ ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਕੋਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਓ ਐਕਸ ਦੇਖੋ 90 ਡਿਗਰੀ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਸ, ਜੋ ਕੀ ਹੈ? ਓ ਐਕਸ। ਤੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਸ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਐਚ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਓ ਐਲ ਓ ਐਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਇੱਕ ਭੁਜਾ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰ ਐਚ ਐਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ, ਆਰ ਐਚ ਐਸ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਸਰਵੰਸਮ। ਓ ਐਲ ਐਕਸ ਸਰਵੰਸਮ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਓ ਐਮ ਐਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਆਰ ਐਚ ਐਸ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਸਰਵੰਸਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਇਨਕੀ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਔਰ ਸੰਗਤ ਹਿੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸਰਵੰਸਮ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸਰਵੰਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸਰਵੰਸਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? ਸੀਪੀਸੀਟੀ। ਸੀਪੀਸੀਟੀ ਮਤਲਬ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਕੋਨਗੂਰੈਂਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਸੀਪੀਸੀਟੀ ਨਾਲ ਉਸਕੀ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਔਰ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਐਲ ਔਰ ਐਮ ਕੋਣ ਦੋਨੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਐਮ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਓ ਐਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਵੀ ਬੇਟਾ ਐਕਸ ਹੈ, ਐਕਸ ਕਾ ਸੰਗਤ ਬਿੰਦੂ ਐਕਸ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਐਲ ਐਕਸ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕੀ ਐਮ ਐਕਸ ਭੁਜਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲ ਐਕਸ ਕੀ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਐਮ ਐਕਸ। ਤੋ ਸੀਪੀਸੀਟੀ ਨਾਲ ਐਲ ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਐਮ ਐਕਸ। ਇਸਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਏ ਬੀ ਜੀਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਸੀ ਡੀ ਕੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਏ ਬੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸੀ ਡੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਦੋਨੋਂ ਜੀਵਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਕੇ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਹਾਫ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ।
हुण देखो जिहड़ी इह ए बी है, ए बी का अध की बनेगा अपना बी एल, क्योंकि एल बेटा दोनों के सेंटर विच पॉइंट है। इसी तरह बेटा सी डी का अध की बनेगा एम डी। तो अपने कोल ए बी का अध कि आ जाएगा डायग्राम च बी एल, और अपने कोल सी डी का अध कि आ जाएगा एम डी। इसनों बेटा आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर दो। हुण अगर आप इस एक इक्वेशन नू और दो इक्वेशन नू दोनों नू बेटा हुण आप ऐड करना, एक अते दो नू जोड़न नाल, हाँ जी बेटा आप फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट साइड एल एक्स और दूसरी साइड बी अपने कोल बी एल, एल एक्स प्लस बी एल बराबर है इधर बेटा अपना की है एम एक्स प्लस एम डी, एम एक्स प्लस एम डी। ठीक है बेटा, हुण इन्हां दा देख दिया एल एक्स प्लस बी एल, ए एल एक्स और ये अपनी बी एल, टोटल बेटा की बन रही है बी एक्स बराबर है एम एक्स प्लस एम डी, एम एक्स प्लस एम डी बेटा अपनी की बन गई डी एक्स। ठीक है, हुण तुसीं देखो जिहड़ा आपां सिद्ध करना सी उसका बेटा ए वाला पार्ट डी एक्स और बी एक्स आपस च बराबर, ये बेटा अपना की हो गया सिद्ध हो गया। हाँ जी बेटा, हुण असीं अपना सेकेंड पार्ट सिद्ध करना है। सेकेंड पार्ट बेटा जो आप सिद्ध करना है उस की करांगे, पहले बेटा आप अपनी दोनों जी जीवावां बराबर है उन्होंने ले लेंगे, ए बी बराबर है सी डी क्वेश्चन जो दिता हुआ सी, इस मान लो बेटा इक्वेशन नंबर एक। अगे जेड़ा बेटा आप हिस्सा बराबर सिद्ध कर चुके हैं बी एक्स बराबर है डी एक्स, इस मान लो बेटा इक्वेशन नंबर दो। हुण आप की करांगे अगे दो नू एक विचों कटाउन नाल आप बेटा की करांगे दो इक्वेशन एक विचों कटा लांगे। तो पहले आप एक विचों कटाना, पहले ए बी लिखा माइनस दूसरा अपनी सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट साइड वाला हिस्सा की है बी एक्स, ए बी माइनस बी एक्स उधर किसके बराबर होएगा सी डी माइनस डी एक्स। हुण देखो ए बी माइनस बी एक्स, अगर आप इस ए बी दे विचों बी एक्स नू माइनस कर दो बेटा किन्ना रह जाएगा ए एक्स, और इधर सी डी दे विचों बेटा की माइनस करना है डी एक्स, तो अपना की रह जाएगा सी एक्स। तो इस नाल बेटा अपने कोल इस क्वेश्चन का जिहड़ा सेकंड पार्ट आप सिद्ध करना सी ए एक्स बराबर है सी एक्स, वो भी बेटा अपना सिद्ध हो गया। ठीक है बेटा, तो अपने कोल अगर दो अपनी जीवावां आपस च बराबर हैं दोनों एक बिंदु ते कट रही है, तो बेटा एक जीवा का जिहड़ा खंड होएगा दूजी जीवा दे संगत खंड दे बराबर हो जाएगा। हाँ जी बेटा, हुण अपना अपनी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 20 मीटर अर्धव्यास का गोल पार्क एक कलोनी विच स्थित है। ठीक है बेटा, तो अपने कोल आपां एक गोल पार्क बना लिया जिसका बेटा आपां नूं अर्धव्यास किन्ना दित्ता है 20 मीटर। तीन लड़के अंकुर शैयद अते डेविड इस दी सीमा ते बराबर दूरी ते बैठे हैं। ठीक है बेटा, तो आपां देखो अपने इस चक्कर जिहड़ा पार्क दी शेप दे विच है अपने कोल उरे आपां की कीता है दो तीन बिंदु लै लिए, एक ए एक बी और एक सी। एक ते बेटा अपने कोल तीन लड़के हैं जिहड़े अंकुर सैयद अते डेविड, एक ए ते बैठा एक बी ते और एक अपना सी ते, और तीनों दूरियां बेटा की दित्ती हुई है बराबर। तो अपने कोल ए बी बराबर है बी सी और बराबर है क्या है ए सी। हरेक दे हाथ विच एक खिडौना टेलीफोन आपस विच गल करन लई है। ठीक है बेटा, अपने कोल जिवें आपां धागे दे नाल टेलीफोन जा बनांदे सी ना, ओ अपने कोल तीनां दे हाथ विच है और आपां ने क्या करना है ए दे हाथ विच और बी दे और सी दे तीनों जिहड़े मुंडे उहनां दे हाथ विच ओ टेलीफोन है। हरेक फोन दी डोरी दी लंबाई दसो, तो बेटा जिहड़ी ओह उहनां ने टेलीफोन डोरी नाल बनाया होया है आपां ने बेटा उसदी की पता करनी है लंबाई। हुण बेटा आपां इसदा हल करदे हां। सब तो पहले क्योंकि जिहड़े अपने कोल तीनों लड़के हन ओह बराबर दूरी ते बैठे हैं, एक ए ते बैठा एक बी ते एक सी ते, तो तीनों दूरियां बेटा अपनी की है बराबर। तो अपने को लगा है ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी ए, ये तीनों दूरियां बेटा अपनी क्वेश्चन च की दी हुई है बराबर। हुण बेटा आपां की कीता है इस त्रिभुज दे विच आपां बेटा ए तो एक डी दे उपर लंब खिंच लिया। ठीक है, लंब 90 डिग्री, और जिहड़ा बेटा अपने कोल उरे डी है, ठीक है डी की बन रहा है बी सी दा लंब आन कारण उह मध्य बिंदु बन रहा है, मतलब बराबर हिस्से च बन रहा है। हुण बेटा देखो ना आपां नूं ए बी दी वैल्यू ना बी सी दी ना सी ए दी आपां नूं किस दी वैल्यू नहीं पता, तो बेटा आप की करते हैं मान लियो त्रिभुज ए बी सी दी भुजा।
तीनों भुजावां बराबर बेटा क्वेश्चन च दिती हुई है, तो बेटा की है समभुजी त्रिभुज। आपां बेटा इस समभुजी त्रिभुज की भुजा नूं की मान लैंदे आ 2x, तो ए बी बी सी और सी ए तिना का मुल बेटा किन्ना हो जाएगा 2x। हुण उस तो बाद बेटा जिहड़ा अपने कोल ए डी बी सी दे उपर लंब आ रहा है, दो बराबर हिस्सों च वंड रहे इसनों, तो जिहड़ा बी डी है वह की होएगा बी सी का अध। तो हुण आपां बी सी का मुल कट सॉरी बी डी का मुल कटते हैं, एक बटा दो बी सी, बी सी बेटा अपना किन्ना है 2x, दो कट गया तो अपना बी डी का मुल बेटा किन्ना आ गया x। ठीक है बेटा, तो अपने कोल ए जिहड़ी दूरी है वह किन्नी आ गई x, और ए दूरी जिहड़ी है त्रिभुज की भुजा उसनों आपां की मन्निया सी 2x। हुण बेटा आपां इह ए डी पता करना है, ए अपने कोल पता है 90 डिग्री, तो बेटा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो आपां नूं पता है करण दी दो बराबर है लंब दी दो प्लस आधार दी दो। 90 डिग्री कारण बेटा और पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, करण जो कि है ए बी इसका मूल बेटा और किन्ना 2x, और आपां 2x पता, ए बी अपना की है बेटा ए डी, ये आपां नूं पता नहीं तो ए डी नूं ए डी रख लिया, आधार आधार की है बी डी जो किन्ना अपना x। ठीक है बेटा, इनू अगे हल कर लो, ये किन्ना बन गया 4x दी दो, ए डी दी दो सेम रहेगा, x की दो दा x दी दो, और ये प्लस इधर जाके बेटा माइनस, तो अपने कोल जेड़ा उरे आ गया ए डी दी दो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये किन्ना आ जाएगा अपना 3x दी दो, ये स्क्वायर बेटा उधर जाके रूट बन जाएगा, तो ए डी दा मूल्य किन्ना आ जाएगा रूट 3x स्क्वायर। तो बेटा रूट 3x स्क्वायर नूं अगर आपां हल कर लिए किन्ना बन जाएगा रूट 3x, नाल बेटा की आ जाएगा अपना मीटर। ठीक है, हुण उस तो बाद अपने कोल उरे ए डी दी वैल्यू निकल गई है। ठीक है बेटा, हुण आपां की करदे आ जिहड़ा इह अपना पार्ट है ए वाला त्रिभुज ओ बी डी, इस दे के उपर भी क्योंकि उरे 90 डिग्री का कोण है आपां पाइथागोरस थ्योरम लगांदे आ। हाँ जी बेटा, हुण जिहड़ा आपां उरे ए डी का मुल कढ़िया सी उरे आपां नोट कर लिया रूट 3x मीटर। हाँ जी बेटा, हुण देखो जिहड़ी अपनी ए डी है वह अपने कोल रूट 3x मीटर निकल गई है, ओ ए की बन रहा है चक्कर का अर्धव्यास। अगर आपां बेटा इस ओ डी का मुल पता करना है तो किवें पता करांगे, अगर आपां इस पूरी ए डी दे विचों की माइनस कर दांगे ओ ए, तो किस उस नाल बेटा किसका मुल निकल जाएगा ओ डी का। हुण आपां बेटा ओ डी का ही मुल पता करदे आ, की करांगे अपनी पूरी ए डी दे विचों इस पूरी ए डी चों आपां ए ओ नूं की कर दांगे माइनस। हुण बेटा इसे मुल भर लो, ए डी किन्नी अपनी रूट 3x माइनस ओ ए किन्ना है 20, एक ही आ गया बेटा अपने कोल ओ डी दा मूल्य किन्ना आ गया रूट 3x माइनस 20 मीटर। ठीक है बेटा, हुण अपने कोल देखो ए जिहड़ा अपने कोल लंब है छोटे त्रिभुज ओ बी डी दा, अपने कोल लंब निकल गया, बी डी आपां नूं पहले एक्स कढ़ लिया सीगा, और ओ बी की है बेटा चक्कर का अर्धव्यास ओ किन्ना है अपने कोल 20 मीटर। ठीक है बेटा, तो अपने कोल इस जिहड़ा समकोण त्रिभुज है आपां नूं इत्थे करण लंब और आधार तिन्नां दा मुल पता है, और बेटा आपां अपने पाइथागोरस थ्योरम दे रिजल्ट विच भर लैंदे आ। करण ओबी, ओबी बेटा चक्कर का अर्धव्यास जो किन्ना 20, ठीक है, बराबर है लंब, लंब अपना की है ओडी, ओडी अपना बेटा किन्ना है रूट 3x माइनस 20 और उसकी घात उपर 2, आधार आधार बेटा अपना बीडी जो की है x। अगेन नूं हल करदे आ, वी दा स्क्वायर बेटा 400, इधर बेटा ये ए है माइनस बी, ए माइनस बी की घात उपर 2 क्या होंगे बेटा ए दी 2 प्लस बी दी 2 माइनस 2 गुना ए गुना बी, और ए एक्स की 2 बेटा नाल एक्स की 2 सेम आ जाए, 400 सेम रहा बेटा, रूट 3x का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वी दा स्क्वायर बेटा 400 माइनस इसनों गुना करके देखो वी नू 2 नाल करे 40 नाल बेटा रूट 3x प्लस एक्स दी 2, 400 400 बेटा कट गए दोनों साइड तो 3x दी 2 प्लस एक्स की 2 किन्ना बन गया बेटा अपना 4x की 2 माइनस की है 40 अंडर रूट 3x बराबर है जो बेटा और की बच गया 0। ठीक है बेटा, हुण अगर आप देखिए बेटा ये अपनी दो घाती समीकरण बन रही है। ठीक है, इसनों बेटा आप देख लो इस चार दोनों साइडा तो सांझा आ रहा है, तो बेटा और आप चार नू बाहर कढ़ लैंदे आ, उरे एक बेटा चार आ रहा है और एक एक्स की 2 और एक्स चो एक्स भी सांझा आ रहा है, तो आप बेटा सांझा कढ़ लिया 4x चो
चार एक्स की दो चो चार एक्स सांझा निकल गया, पूरे की बच गया एक्स माइनस चाली चो बेटा अगर आप चार सांझा करेंगे कितना बचेगा दस अंडर रूट तीन और एक्स बेटा अपना बाहर चला गया बराबर है जीरो। हांजी बेटा हम अपने दो फैक्टर बन गए, पहले आप एक नु जीरो दे बराबर रख लेंगे और फिर बेटा आप दूजे नु जीरो दे बराबर रख लेंगे। जो चार उरे गुना उधर जाके भाग जीरो बटा चार बेटा कितना हो जाएगा एक्स जीरो। ठीक है बेटा एक्स जीरो है मतलब अपने को अगर एक्स जीरो हो गया तो बेटा त्रिभुज की भुजा ही जीरो होगी, ये तो एग्जिस्ट नहीं कर हो नहीं सकता, फिर तो त्रिभुज ही नहीं आएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। उरे तो बेटा एक्स माइनस दस अंडर रूट तीन बराबर है जीरो, एक ही हो रहा है माइनस, उधर जाके बेटा की हो जाएगा प्लस। ठीक है तो एक्स का मूल्य बेटा कितना आ जाएगा दस अंडर रूट तीन। आपा की पता करनी सी बेटा हरेक फोन की डोरी की लंबाई जो की है बेटा ए बी बी सी और ए सी, ए बी बी सी ए सी बेटा जी अपनी त्रिभुज की भुजा सी उसको आपा की मनिया सी दो एक्स, तो हम आप इसका मूल्य कटते हैं ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी ए किन्नी सी बेटा है दो एक्स, एक्स का मूल्य किन्ना आया दस अंडर रूट तीन, दो दस अंडर रूट तीन गुना करें बेटा किन्ना आ जाएगा अपने को वी अंडर रूट तीन मीटर। तो अपने को बेटा इतने तीनों डोरिया जो बराबर है क्योंकि तीनों लड़के बराबर दूरी पर बैठे हैं उन्होंने लंबाई बेटा किन्नी आ गई वी अंडर रूट तीन मीटर। ठीक है उम्मीद है बेटा थोड़ा ये लैक्चर चंगी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू।